हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफसी ब्लॉग। तो इस वक्त हम हैं बैंकॉक में थाउसन रोड के पास में। थाउसन रोड जो है यहाँ से वो 2 किलोमीटर है। अभी एक मार्केट में आए थे हम, यहाँ पे जो है हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और मैंने भी एक वीडियो इससे पहले बनाई है, वो भी जो है आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसमें मैंने जो है वो सी फूड वगैरह दिखाया था, स्ट्रीट फूड वगैरह दिखाया था। तो अब यहाँ से हम जो है जा रहे हैं कि शॉपिंग मॉल है आइकॉन से हम, जिसका नाम है काफ़ी खूबसूरत मॉल है। तो यहाँ से देखते हैं किस तरीके से जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं, जो है सस्ता तरीका क्या है वहाँ तक जाने का। यहाँ से जो है वो 3.5 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा जो है वो दूर नहीं है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो जा सकते हैं यहाँ पर। और लोकेशन की बात किया तो भाई देख लो, अमेजिंग लोकेशन है यहाँ की, काफ़ी जो है अच्छी लोकेशन है, बहुत बढ़िया अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ का। तो देखते हैं और कि बस से जाएंगे या टुकटुक से जाएंगे, तो मिलते हैं आपको अभी। तो अभी इन मोहतरमा से हमने जो है पूछा है, तो ये बता रही है कि 6 नंबर की जो है वो बस जाएगी वहाँ के लिए। तो 60 नंबर की जो है बस का वेट कर रहे हैं। और बाइक भाई खतरनाक है यहाँ पर, बहुत खतरनाक तरीके चला रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से। और देखते हैं बस का जो है फेयर वगैरह क्या है, चलते हैं कि बस आइए 60 नंबर से जाएंगे। बाइक टैक्सी करते तो वो हमसे समथिंग 70-80 जो है वो बात दे लेते यहाँ तक के। तो बस और टुकटुक जो है वो थोड़ा जो है बेहतर है। और नज़ारा आप जो है वो देखिए, तो भाई गजब गजब का जो है वो सीन है यहाँ का, बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों ये देखो। बड़ी गजब है दोस्त, यहाँ बैंकॉक की पटाया में तो मतलब इतनी वो नहीं है, बस वहाँ पे जो है वो नाइट लाइफ है, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है वो अलग ही है। इस तरह के टुकटुक चलते हैं, इन्होंने जो है हायाबुसा बना रखा, देखो इसके साउंड सुनो, इसके साउंड लाइक जैसा हायाबुसा हो। श्याम भाई गजब है यहाँ की नाइट लाइफ, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये जितनी भी जो आवाज़ें आ रही है ना, जैसे सुपर बाइक की तरह ये सब इन्होंने टुक टुक में से आ रही है, पता नहीं भाई कौन से सीसी इंजन लगा रखा है। ये देखो में, आई वॉन्ट टू गो आइकॉन श्याम,
I got my arm. Yes. Oh, don't lang behead. Where? Behead. How to go? I can't see him. I can't behead. Lang behead. This side. Side. Go by behead. How kilometer? Around 250. Bus number? But no here. No yeah. Bus? No bus, I mean, we take rocket car. Airport, rocket car. I can see on this side. Okay. Kapun. ऑनर गाइस बस जो है ज़्यादा दूर नहीं रहा है तो बस पहुंचने वाले हैं आईकॉन श्याम और आप देख ही सकते हैं कि भाई कितना खूबसूरत जगह है ये नया जो है यहाँ की कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे। मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर आपका बजट ठीक है तो एक बार जो है बैंकॉक जो है थाईलैंड ज़रूर आए क्योंकि काफ़ी अच्छा सीन है और ज़्यादा जो है वो महंगा भी नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप अगर 3 या 4 दिन यहाँ पर रुकेंगे, 2 दिन बैंकॉक और 2 दिन पटाया में रुकोगे तो आप मान के चलें एक आदमी का अभी तो जो है थोड़ी फ्लाइट वगैरह थोड़ी कॉस्टली है, समथिंग 10-11 हज़ार में मिल रही है, लेकिन अभी जो है ना 1-2 महीने बाद ये फ्लाइट बहुत सस्ती हो जाएगी, 7-8 हज़ार में भी, 6-7 हज़ार में भी जो है अपनी दिल्ली से या कोलकाता से जाएगी, यहाँ तक कि 5-5 हज़ार में भी जो है वो दोस्तों जाती हैं। और आप ईज़िली इसे 25-30 हज़ार में कर सकते हो, 30 हज़ार आप जो है नॉर्मली मान के चलो इससे, अगर आप 2 लोग हैं तो 60,000 में आपका बहुत बढ़िया जो है वो ट्रिप हो जाएगा ये 60,000 के अंदर। तो बस व्यू के मज़े लो और घूम रहे हैं भाई थाईलैंड की गलियों में और ये देखो भाई क्या गजब सीन है, साइकिल वगैरह भी रेंट पे है यहाँ पे, तो हमें तो जाए मतलब लेना नहीं है साइकिल से और हम तो बस ऐसे यूँ ही घूम रहे हैं ऐसे ही। यहाँ पे अभी आए हैं एक शॉपिंग मॉल के पास, काफ़ी खूबसूरत सेंट्रल वर्ल्ड है ये और बहुत बड़ी बड़ी जो है वो स्क्रीन वगैरह जो है लग रही है यहाँ पे, और ये देख लो भाई पूरे फ्रंट पे जो है इन्होंने स्क्रीन लगा रखी है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट जो है वो चल रहा है, काफ़ी ऊँची ऊँची जो है वो बिल्डिंग है इस साइड में और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे जो है मार्केट भी यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है भाई, तो हमें तो भाई जाना है आईकॉन से यहाँ, तो सोचा कि आप लोगों को भी जो है ये सब चीज़ें दिखा दी जाए।
रास्ता बहुत सारी मतलब वेट करना पड़ा बस वगैरह का टुक टुक वगैरह का, तो जो है यहाँ पे हम पहुँचे हैं और ये कुछ अभी इस तरह की का जो है वो सीन है यहाँ पे। लेकिन गजब का सीन है भाई, गजब का बहुत इन्जॉयमेंट आ रहा है। लेकिन अभी थक भी गए क्योंकि बैग जो है वो पीछे ही है हमारे, हमने अभी जो है अपने से इसे जुदा नहीं किया है, साथ में लिए लिए घूम रहे थे। भाई यहाँ की जो ये चल रही है तो वो 9 से लेकर सुबह मॉर्निंग से और 11 बजे तक रात बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपका जो है वो इसके अंदर चार्ज नहीं जाएगा। और लोकेशन देखो भाई, गजब आ रही है गजब। यहाँ से देखो यार क्या मस्त लोकेशन है। तो गाइज ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी चीज़ को जो है वो देखने के लिए और फील करने के लिए जो हम यहाँ पर आए हैं, तो वही जो है वो आप लोगों को भी जो है वो दिखाएंगे। पीछे का वही व्यू देखो कितना गजब आ रहा है, और ये पीछे वो और एक वो देखो क्रूज़ जा रहा है, देखो ये क्रूज़ है, तो ये भी भाई अलग ही सीन है इसका, बहुत मस्त बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। जी ये अभी उस साइड से आई है तो ये लोगों को लेके आया है, तो अब हमें इसके अंदर बैठना है और बाकी उधर से जो लोग घूम करके आए हैं वो उतर जाएंगे, बाकी अब हम यहाँ पे बैठेंगे और फिर जाएंगे अब उस तरफ भाई कौन से आम। और बता दूँ ये बिल्कुल जो है वो फ्री है, कोई इसका पैसा नहीं है। तो सारा हुआ भाई, लोकेशन देख लो एक बार, काफ़ी अमेजिंग व्यू है यहाँ का, और उस साइड में भी जो है क्रूज़ वगैरह चल रहे हैं। चलना स्टार्ट हो गया है, फिर जो है मतलब मुड़ गया है अभी, और
खूबसूरत है भाई, एयर कंडीशनर पूरा है भाई, काफ़ी ठंडा माहौल है यहाँ का और कुछ ऐसा सीन है भी यहाँ का पूरा। जितना हो सकेगा मुझसे मैं उतना जो है वो कवर करूँगा, इसे आपको दिखाने की जो है पूरी कोशिश करूँगा। बस वीडियो को जो है लाइक शेयर अपने दोस्तों करना और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि शॉपिंग मॉल आपको पता ही है कि कोई भी चार्जेबल नहीं होता है। बट नज़ारा देख लो भाई एक बार, इतना खूबसूरत है। सो गाइस, यहाँ से कुछ इस तरह का जो है वो इसका व्यू आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अमेजिंग व्यू है दोस्तों। और बहुत खूबसूरत शॉपिंग मॉल यहाँ का है जिसका नाम है आइकॉन सियाम। एक बार अगर आप थाईलैंड बैंकॉक आते हो तो एक बार इसके अंदर जो है वो प्लीज़ आना, क्योंकि इतना खूबसूरत शॉपिंग मॉल आपने इंडिया में मतलब अभी विज़िट नहीं किया होगा, जितना बड़ा जो है और जितना खूबसूरत ये है। इंडिया में भी अपने काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जितना खूबसूरत ये है दोस्तों, इसकी तो कुछ बात ही और क्वालिटी ही अलग है। तो गाइस, लोकेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और काफ़ी सारे फॉरनर भी यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और पीछे का नज़ारा ऐसा है, लाजवाब एकदम। मैं तो बस यही रिकमेंड जो आपसे करूँगा कि भाई यहाँ पर अगर आओ तो एक बार प्लीज़ इसे जो है वो ट्राई ज़रूर करना। काफ़ी फॉरनर जो है भाई यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी अलग अलग कंट्री के मतलब फॉरनर आपको जो यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि एक जो है ना ये बहुत ही यूनिक सब प्लेस है ये वाला जिसका नाम है आइकॉन सियाम। कुछ इस तरीके का भी नज़ारा यहाँ का।